हाय एवरीवन क्लास टेंथ सब्जेक्ट हिस्ट्री तो आज से मैं हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें कि आपको हिस्ट्री के सभी वीडियोस क्लास टेंथ के सभी वीडियोस देखने मिलेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के तो आप ज़रूर ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा ऑलरेडी मैंने जोग्राफी का सीरीज़ कम्प्लीट कर चुकी हूँ ओनली वन लेसन इज लर्फ ओनली एक लेसन बाकी है और ये वीडियो से आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो क्योंकि इसमें मैं जस्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो आपको कौन से किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं किस तरीके से आपको याद रहेगा ये आपको ये वीडियो में बताया जाएगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो सबसे पहली बात आती है डायलैक्टिक्स डायलक्टिक्स का मतलब क्या है डायलेक्टिक्स क्या है तो ये हमें पता होना चाहिए मेथड ऑफ एनालिस ऑफ हिस्ट्री विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट्स हिस्ट्री को एनालाइज करना किसको एनालाइज करना हिस्ट्री को एनालाइज करना किस बेसिस पे एनालाइज करना ऑन द बेस एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अपोजिट ऑन द बेसिस ऑफ अपोजिट ठीक है हिस्ट्री को एनालाइज करना किस बेसिस पे अपोजिट के बेसिस पे विच इज़ बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स तो उसे क्या कहा जाता है उसे डायलेक्टिक्स कहा जाता है मीन्स दी मेथड बाई विच वी कैन एनालाइज हिस्ट्री ऑन दी बेसिस ऑफ अपोजिट्स मीन्स ऐसा मेथड हिस्ट्री का जिससे हम क्या कर सकते हैं हिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं किस बेसिस पे ऑपोजिट के बेसिस पे उसे डायलैक्टिक्स कहा जाता है ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट सेकेंड चीज ये किसने बताया है तो सबसे पहली चीज कि ये जो मेथड है वो किसने बताई है जर्मन फिलोसोफर इज इट जर्मन फिलोसोफर जर्मन फिलोसोफर जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगेल जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगेल फेडरिच हेगल इन्होंने ये मेथड बताया है किसने बताया मेथड जर्मन फिलोसोफर है जो जिनका नाम क्या है जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगल इन्होंने ये अपोजिट एट जैसे कि ऑपोजिट्स uh, पे ये हिस्ट्री uh, को ऑपोजिट के बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं ये मेथड इन्होंने बताया है थर्ड पॉइंट क्या आएगा थर्ड पॉइंट ये होगा कि जब भी आपको ट्रू नेचर पता करना है किसी भी इवेंट का इफ़ यू वांट टू नो द ट्रू नेचर ऑफ़ एनी इवेंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बोल सकते हो और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड In order to understand the true nature, the true nature of the the true nature, the true nature of any event, किसी भी event का true nature अगर आपको पता करना है, किसी भी event का true nature अगर आपको पता करना है, तो one needs to know its opposites. तो सबसे पहली चीज कि आपको वो चीज के बारे में अपोजिट चीजें पता होनी चाहिए वन नीड्स टू नो इट्स अपोजिट वन नीड्स टू नो इट्स अपोजिट ओके ऑपोजिट तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि अगर आपको किसी भी इवेंट के बारे में पता करना है या समझना है तो उस चीज़ के बारे में आपको अपोजिट चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे कि अगर आपको ट्रू पता है तो आपको फॉल्स भी पता होना चाहिए अगर आपको गुड पता है तो आपको बैड भी पता होना चाहिए ये हुआ थर्ड ओके दिस इज़ दी थर्ड पॉइंट नेक्स्ट इज अगर आप पॉइंट uh, कंप्लीट होने के बाद आपको चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नेक्स्ट इज दैट कि दी थियोरी कॉल्ड एंथेथेसिस इज प्रपोज एट द बिगनिंग जो थियोरी थी कौन सी थेसिस वो सबसे पहले बताई गई थी प्रपोज की थी प्रपोज की गई थी लेकिन उसके बाद और एक थियोरी आई उसको ही फॉलो करते हुए तो उसे क्या कहा गया है उसे एंटीथेसिस कहा गया है क्या कहा गया है एंटीथेसिस ओके okay. या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पहली थियोरी आई थी थियरी कॉल थेसिस वॉज प्रोपोज ठीक है कॉल थेसिस वॉज प्रोपोज ओके और ये पहले आई थी थेसिस क्या हुई थी ये पहले आई थी एट द बिगनिंग इट वॉज प्रोपोज ओके आफ्टर दैट यही थेसिस को फॉलो करते हुए दूसरी इट वॉज फॉलोड बाय इट वॉज फॉलोड बाय अनादर इट वॉज फॉलोड बाय अनादर इट वॉज फॉलोड बाय अना अनदर थियरी दैट वॉज एंटीथेसिस अनदर थियरी दैट वॉज एंटीथेसिस दैट इज एंटीथेसिस ओके तो ये हुए आपके चार पॉइंट ओके okay? अगर आपको इसमें और जैसे कि थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है तो आप इसे और रिलेट कर सकते हो कि इसके बाद दोनों को लॉजिकल डिस्कशन के बाद थेसिस और एंटीथेसिस को मिला मिला के एक नई थियरी फॉर्म हुई थी दैट वाज नोन एस अब ये दोनों मिला के दिगेस्ट ऑफ बोथ थेसिस एंड एंटीथेसिस थेसिस और एंटीथेसिस को मिला के एक नई थियेरी आई थी जिसका नाम क्या था जिसका नाम सिंथेसिस था क्या था जिसका नाम सिंथेसिस एस वाई एन टी एच ई एस आई एस अ न्यू थियोरी वॉज प्रपोज दैट वॉज गिस्ट ऑफ बोथ दैट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थेसिस और एंटीथेसिस का कॉम्बिनेशन करके एक बनके एक नई थियोरी आई थी जिसका नाम क्या था सिंथेसिस ओके तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ देखिए डायलैक्टिस डायलेक्टिक्स डायलैक्टिक्स क्या है एक मेथड है हिस्ट्री एनालाइज करने का जो किस पे बेस्ड है ऑपोजिट opposite, ऑपोजिट्स पे बेस्ड किसने बताया है जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगल ने बताया है जॉर्ज विलियम फेडरिच फेडरिच हेगल ने बताया है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं जर्मन फिलोसोफर है कौन है जर्मन फिलोसोफर है? है और किसी भी इवेंट के बारे में अगर हमको जानना है किसी भी इवेंट के बारे में हमको जानना है तो सबसे पहले हमें ऑपोजिट पता होने चाहिए वी शुड नो अपोजिट्स ओके नेक्स्ट इज कि एक सबसे बिगनिंग में एक थियोरी आई थी एट द बिगनिंग एट द बिगिनिंग न्यू थियोरी एट द बिगनिंग न्यू थियोरी वॉज प्रोपोज जिसका नाम क्या था थेसिस ओके okay. उसको ही फॉलो करते हुए दूसरी जो थियोरी आई थी वो क्या थी एंटी थेसिस इट वॉज एंटी थेसिस फिर उसके बाद दोनों को मिला के एक अगेंस्ट ऑफ बोथ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट वाज कॉल्ड एस एक नई थियरी फॉर्म हुई दोनों को मिला के जब एक लॉजिकल डिस्कशन के बाद एक नई थियरी आई थेसिस और एंटीथेसिस पे जब डिस्कशन हुआ और जब एक नई थियोरी फॉर्म हुई उसे क्या कहा गया है उसे सिंथेसिस कहा गया है वॉट इट इज़ टोल्ड इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एस सिंथसीस ओके दिस इज आंसर फॉर डायलेक्टिक्स नेक्स्ट है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हैगल ओके पहले एनालिस स्कूल कर लेते हैं व्हाट इज एनालिस स्कूल ठीक है एक बहुत एग्जाम पॉइंट से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ज़रूर ये एनलिस स्कूल ये ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि टू मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे अगर आप ये करके जाओगे तो और आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर स्कोर करना है तो डेफिनेटली जो कुछ भी मैं ये वीडियो में बता रही हूँ वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा तो सबसे पहली बात व्हाट इज एनालिस स्कूल एनालिस स्कूल व्हाट इट इज तो सबसे पहली बात ये कहाँ शुरू हुई थी ये एनालिस स्कूल वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस इट वॉज स्टार्टेड इट वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस एक मिनट जस्ट फ्रांस बाय फ्रेंच फिलोसफर फ्रेंच हिस्टोरियंस किसने स्टार्ट की थी फ्रेंच हिस्टोरियंस फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट की थी अभी फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट की थी तो इसका जो पर्पस क्या था वाई स्टार्टेड इट तो सबसे पहले जब एट द डॉन ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी में कब ट्वेंटी एथ सेंचुरी वॉट हैपन हिस्ट्री द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री गॉट अ न्यू डायरेक्शन जो हिस्ट्री राइटिंग ही है जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी उसको एक नया डायरेक्शन मिला The history of writing, uh, the writing of history got a new direction. The writing of history, the writing of history got a new direction. Got a new direction. Okay, what was it? to get? कौन सा डायरेक्शन मिला तो सबसे पहली चीज़ जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो सिर्फ किसके बारे में लिखी जाती थी पहले पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में लिखी जाती थी किंग्स के बारे में लिखी जाती थी ये ग्रेट लीडर्स के बारे में लिखी जाती थी लेकिन बाद में क्या हुआ जब न्यू डायरेक्शन मिला हिस्ट्री को तो इसी में क्या हुआ पॉलिटिकल इवेंट्स किंग्स लीडर्स इनके साथ स्टडी ऑफ क्लाइमेट स्टडी ऑफ क्लाइमेट ट कॉमन पीपल कॉमन पीपल इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया सोशल डिविजन कम्युनिकेशन ये सब चीजों को इंक्लूड किया गया और जब ये सब चीजें इंक्लूड हुई जब ये सब चीजें इंक्लूड हुई हिस्ट्री में तो उसे क्या कहा गया उसे एक न्यू डायरेक्शन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कहाँ गया एक न्यू डायरेक्शन मिला हिस्ट्री राइटिंग को क्योंकि होता क्या था सबसे पहले जब हिस्ट्री लिखी जाती थी तब वो ग्रेट किंग्स पॉलिटिकल लीडर वार के बारे में लिखी जाती थी लेकिन उसके बाद जब एनालिस्ट स्कूल स्टार्ट हुई तब उसमें क्या हुआ कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट कॉमन पीपल ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई और इसके इस वजह से एक नया एक a new school of thought was arose or a new school of thought this new school of thought is known as bol sakte this jo nayi direction me le history ko wo school ka naam kya hai to wo school ka naam kya rakha gaya hai that school is known as analyst school that school name is known as analyst school तो आप ऐसे बोल सकते हो कि analyst school क्या है तो एक new direction me le history writing ko history a writing of history got a new direction writing of history writing of history got a new direction new direction okay what was it only along with along with political leaders war etc etc common people's study of climate everything was included in हिस्ट्री हर चीज़ को हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया और ये जो न्यू थॉट है न्यू दिस न्यू स्कूल स्कूल ऑफ थॉट ये जो न्यू स्कूल था थॉट का वो कि, वो कहाँ पे अरोज हुआ वो फ्रांस में अरोज हुआ किसने स्टार्ट किया तो फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट किया और ये स्कूल को एनालिस स्कूल बोला गया है ओके बिट इज़ नॉट क्लियर यू कैन कमेंट मी कमेंट ओके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो फिर नेक्स्ट जॉर्ज विलियम फेडरिजल के बारे में अभी तो आपको याद हो, हो ही गया होगा कि जॉर्ज जॉर्ज विलियम किगल कौन है तो जॉर्ज विलियम जॉर्जरिगल ये किससे रिलेट करते हैं इज रिलेटेड टू डायलैक्टिक्स ओके रिलेटेड टू डायलैक्टिक्स ओके नेक्स्ट कि जॉर्ज विलियम फेडरिच हैगल कहाँ से बिलोंग करते ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर हुई वॉज ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर ओके ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर नेक्स्ट अभी जर्मन फिलोसोफर थे कौन जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगल तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है डायलेक्टिक्स के बारे में दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला है कि जो हिस्टोरिकल रियलिटीज़ है हिस्टोरिकल रियलिटीज़ historical realities realities it should be presented in logical manner मैनर उन्हें किस तरीके से present किया जाना चाहिए एक logical manner में लॉजिकल मैनर में उसे प्रजेंट किया जाना चाहिए हिस्टोरिकल रियालिटीज़ शुड भी प्रजेंटेड इन लॉजिकल मैनर ठीक है मीन्स कोई भी हिस्टोरिकल रियालिटीज़ है उसे लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट किया जाना चाहिए उन्होंने ये कहा है कि हिस्ट्री टाइम के साथ चेंज हो सकती है अभी क्यों हो सकती है ही बिलीव दैट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज़ बाउंड टू चेंज अस टाइम पासिस अभी उन्होंने क्या कहा है कि जो हिस्ट्री है इट कैन चेंज विद द पासिंग टाइम बाई हिस्ट्री कैन चेंज विद द पासिंग टाइम हिस्ट्री कैन चेंज विथ पासिंग टाइम विथ पासिंग टाइम why ठीक है हिस्ट्री तो हम बदल नहीं सकते लेकिन टाइम के साथ क्यों चेंज हो सकती है क्योंकि हमें कुछ नए एविडेंसेस मिल सकते हैं कुछ नए प्रूफ मिल सकते हैं जिससे हिस्ट्री थोड़ी बहुत बदली जा सकती है हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ चेंजेस हिस्ट्री में हो सकते हैं न्यू एविडेंस मिलने के साथ ओके okay, जब नी, हमें न्यू एविडेंस मिलेंगे ए, या कुछ हमें नई चीज़ों का पता चलेगा तो हिस्ट्री में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं तो ही बिलीव दैट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंजेस टाइम पासिस विथ चेंजिंग टाइम इन बिकॉज न्यू एविडेंस सरफेसेज बिकॉज ऑफ न्यू एविडेंसेस इन हिस्ट्री बोल सकते बिकॉज ऑफ न्यू एविडेंसेस एविडेंसेस इन हिस्ट्री ओके ये हो सकता है नेक्स्ट है कि आ, अभी मैंने बताया कि इन्होंने कौन सी थेसिस प्रपोज की थी ये थेसिस ऑफ डायलेक्टिक्स डायलेक्टिक्स ये बताया था इन्होंने नेक्स्ट है, है इनके जो लेक्चर्स है और आर्टिकल्स है इनके लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स दैट आर पब्लिश्ड इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस ये जो इनकी बुक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस ये एग्ज़ाम में आ सकती है तो आप याद रखिए अ बुक रिटन बाय हिम व्हाट इट इज़ पब इसमें क्या पब्लिश किया गया है तो इसमें उनके आर्टिकल्स इनके आर्टिकल्स और लेक्चर्स को पब्लिश किया गया है जो बुक का नाम क्या है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फिलोसॉफिकल साइंसेस ओके फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल साइंसेस ये बुक में इनके लेक्चर्स और आर्टिकल्स को पब्लिश किया गया है ओके okay. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है मैं एक बार रिपीट करती हूँ देख लीजिए जॉर्ज विलियम फेडरेचेगल ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर कौन थे जर्मन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री को एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट किया जाना चाहिए थर्ड चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि विथ चेंजिंग टाइम लिटिल बिट दे मे बी चेंजेस इन हिस्ट्री हाउ बिकॉज ऑफ न्यू एविडेंस सरफेसिस न्यू एविडेंस के साथ थोड़े बहुत चेंजेस या हिस्ट्री में चेंजेस किए जा सकते हैं या हो सकते हैं नेक्स्ट है कि उन्होंने जो बुक लिखी है उनके जो लेक्चर्स और आर्टिकल्स हैं वो बुक कौन सी बुक में पब्लिश किए गए हैं इन्साइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासॉफ़िकल साइंसेस ये बुक में उनके जो आर्टिकल्स और लेक्चर्स है पब्लिश किए गए हैं ओके नेक्स्ट है कॉल okay. मार्क्स तो वॉज अ जर्मन थिंकर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर मार्क्स के लिए भी आ सकता है तो आप जरूर याद रखिये ही वॉज अ जर्मन थिंकर हो ही वॉज ही वॉज अ जर्मन थिंकर ओके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही वॉज अ जर्मन थिंकर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जर्मन थिंकर कब के तो नाइनटीन सेंचुरी के ओके नाइनटीन सेंचुरी के जर्मन थिंकर थे उन्होंने एक बहुत फेमस ही रोड ही हैज़ वर्ल्ड फेमस ट्रीट इज दैट इज दास कैपिटल जो दास कैपिटल उनकी बुक है और दास का याद रखिए स्पेलिंग है डी ए एस के ए पी आई टी ए एल ये उनकी बुक है इट इज़ वेरी वेल नोन ठीक है बहुत ही ज्यादा फेमस है दास कैपिटल वर्ल्ड फेमस ट्रिटीज के बारे में लिखी है उन्होंने अभी इन्होंने क्या कहा है कि हिस्ट्री किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं है हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इज़ एक में हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हिस्ट्री किसके बारे में नहीं है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में नहीं है लेकिन किसके बारे में बट अबाउट लिविंग पीपल बट अबाउट लिविंग पीपल हिस्ट्री किसके बारे में है लिविंग पीपल के बारे में है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में नहीं है नेक्स्ट थिंग इज दैट इनका क्या कहना था कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है वो शे ही बिलीव ही यूज़ टू बिलीव दैट जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है वो किस तरीके से बनती है फंडामेंटल नीड्स है जो लोगों की उसकी वजह से जो पीपल है उनमें ह्यूम्स में रिलेशनस बनते हैं या उनकी वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ही यूज़ टू बिलीव दैट ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप ड्यू टू दी फंडामेंटल नीड्स ऑफ दी पीपल मीन्स जो फंडामेंटल नीड्स हैं लोगों की उसकी वजह से ह्यूमन रिलेशनशिप्स बनते हैं नेक्स्ट थिंग इज दैट जो वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है व्हाट इज ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री हिस्ट्री इज अ ऑफ क्लास स्ट्रगल जो ह्यूमन हिस्ट्री है ह्यूमन हिस्ट्री है वो क्या है इट इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल हिस्ट्री ऑफ क्लास हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल ओके व्हाट इज ह्यूमन हिस्ट्री इट इज अ इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल अभी क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री मतलब क्या है क्या है अभी देखिए उन्होंने उनकी जो आइडियाज़ है इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं क्योंकि कालमार्क से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है तो हम स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं देखिए है. सबसे पहली बात कौन थे वो वो जर्मन थिंकर थे कब के थे नाइनटीन सेंचुरी के थे ओके okay? नाइन्टीन सेंचुरी जर्मन थिंकर थे उनका क्या उन्होंने बहुत आ, अच्छी बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था दास कैपिटल था ओके दास कैपिटल था नेक्स्ट थी उनको उनका क्या कहना था कि जो हिस्ट्री है वो एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हिस्ट्री क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं है लेकिन हिस्ट्री किसके बारे में है लिविंग पीपल के बारे में है लोगों के बारे में है ओके हिस्ट्री इज़ अबाउट लिविंग पीपल ओके नेक्स्ट जो उनका क्या कहना था कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है वो किस क्यों बने हैं क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स जब फंडामेंटल नीड्स है जो लोगों की उसके वजह से ह्यूमन रिलेशनशिप्स बने हैं ओके okay. और उनका ये कहना था कि जो अनईक्वल एसेसिबिलिटी ऑफ मींस है जो अनईक्वल एसेसिबिलिटी है जो चीज़ें हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो क्लास स्ट्रगल क्यों होता है डिविजन क्यों होती है सोसाइटी में तो वो जो एसेसिबिलिटी है जो लोगों के पास चीज़ें हैं, चीज़ें नहीं बोल सकते लोगों को लोगों के डिविजन्स हुए हैं उनके नीड्स के तौर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि किसी के पास कुछ चीज़ें ज़्यादा है या वो अमीर है तो वो क्या करेगा उसके पास हर एक चीज़ रहेगी लेकिन उसी के साथ जब हम एक गरीब को देखेंगे या मिडिल क्लास फैमिली को देखेंगे तो उनकी नीड्स एज़ कम्पेयर टू दी यहाँ रिच पीपल नीड्स उनकी कम होगी तो इस वजह से क्या हुआ है डिवीजन ऑफ क्लासेस हुए हैं क्लास स्ट्रगल को लीड किया गया है और सोसाइटी में डिविशन्स हुए हैं ऐसा उनका कहना था तो ये आपको याद रखना है और एक चीज़ कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है ह्यूमन हिस्ट्री इज़ दी हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल ह्यूमन हिस्ट्री क्या है तो हिस्ट्री है क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है ओके okay. तो आपको इतनी चीज़ें ये चार पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना है किसके बारे में मार्क्स के बारे में माइकल फोकोल्ट माइकल फोकोल्ट कौन थे तो ही वॉज अ ही वॉज द हिस्टोरियन ऑफ फ्रांस कहाँ से थे वो फ्रांस से थे फ्रांस से हिस्टोरियन थे हिस्टोरियन थे ओके okay, कब के ट्वेंटी सेंचुरी के कब के ट्वेंटी सेंचुरी उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ये बुक उन्होंने लिखी थी आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ओके क्या लिख रही हूँ मैं बस आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ओके उन्होंने क्या कहा था कि उनका कहना ये था कि वो क्या कहते थे कि जो हम लोग हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लिखते हैं वो सही नहीं है उनका ये कहना था राइटिंग हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो हम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं वो राइट right नहीं है वो गलत है तो वो क्या कहते थे दैट अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट ओके अरेंजिंग हिस्टॉरिकल इवेंट्स एच ही लिख रही हूँ हिस्टॉरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑर्डर इज नाट राइट ओके इज़ नॉट राइट ओके इज इट क्लियर नेक्स्ट अभी उनका क्या कहना था देखो सबसे पहली बात कहाँ के थे फ्रांस के थे ट्वेंटी सेंचुरी के हिस्टोरियन थे उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज उनका क्या कहना था कि जो हिस्ट्री में जो हिस्ट्री आ, पास्ट में जो इवेंट्स हुए थे हिस्ट्री में हिस्टोरिकल इवेंट्स उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना सही नहीं है तो ये था किसके बारे में तो माइकल फोकल के बारे में ये था नेक्स्ट है लियोपोल्ड वॉन रैंकिंग हु ही वॉज ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर ये कौन थे एक जर्मन फिलोसोफर थे ओके हु ही वॉज ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर ओके उनका क्या कहना था कि वो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो किस चीज़ को देते थे कि जो भी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में कलेक्ट की गई है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से कलेक्ट होनी चाहिए या ऐसे बोल सकते हो कि ही वॉज टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और you can say that he used to give importance to the information collected from the original documents वो किस पे ज़्यादा emphasis देते थे तो ऐसे चीजों पे जो for example कि उनको कोई चीज मिली है या उनको कोई information मिली है history से related तो वो किसी original document से अगर वो मिली है तो वो उस पे ज़्यादा believe करते थे या उस पे उसको ज़्यादा importance देते थे उनका क्या कहना है ही टू गिव मोर ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गिव मोर ऑन इंफॉर्मेशन इन्फो लिख रही ओके फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट है उनका यह कहना था कि अगर तुमको हिस्टोरिकल ट्रूथ पता करना है इफ़ यू वांट टू नो द हिस्टोरिकल ट्रूथ अगर आपको हिस्टोरिकल ट्रूथ पता करना है तो सबसे पहले आपको एग्जामिन करना पड़ेगा यू हैव टू एग्जामिन टू एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जामिन करना पड़ेगा जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड उनको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा और ही यूज टू क्रिटिसाइज वो क्रिटिसाइज करते थे ही यूज़ टू क्रिटिसाइज दी इमेजिनेटिव हिस्ट्री इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री जो इमेजिनेशन ना के तौर पे बताया जाता था कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था तो वो उसको क्रिटिसाइज करते थे वो उस पर बिलीव नहीं करते थे नेक्स्ट चीज की जो उनके आर्टिकल्स है वो बुक टू बुक्स में पब्लिश हुए हैं कि फर्स्ट का नाम है दी थियरी एंड दी प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड दी सीक्रेट ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री ये दो जो बुक्स है वो उनके इम्पॉर्टेंट बुक्स है तो वो आपको याद रखने हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ विच बुक्स पर आर्टिकल्स उनके जो आर्टिकल्स है वो किस बुक में पब्लिश हुए हैं तो वो दी थियरी द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री नेक्स्ट इज दी सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दीक्रेट ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री ओके okay. ये बुक में उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ये आपको याद रखना है तो आज के लिए इतना काफ़ी है ज़रूर देखिए वॉल्टायर बाकी जो कुछ भी ये लेसन का बाकी है वो मैं नेक्स्ट पार्ट टू में कल ले लूँगी और एक चीज़ बता सकती हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते तो आउट ऑफ तो फोर्टी या फोर्टी ईजीली स्कोर कर सकते हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा थैंक यू